ये मान भी है कि फवाद चौधरी साहब को जो गिरफ्तारी की गई है, जो उन पर चार्जेस लगाए गए हैं, इनको आप किस तरह से देखती हैं? और दूसरा फिर हमें बताइएगा कि क्या आपको फवाद चौधरी से मिलने का टाइम दिया गया है? आपको लगता है कि वो गिरफ्तारी हुई है या अबडक्शन हुई है? पहले तो ये आप अपने आप को क्लियर कर लें प्लीज कि वो एक अबडक्शन थी जिस तरीके से उनको घर से उठाया गया है। आई वुड लाइक टू करेक्ट ऑल द मीडिया, एक अबडक्शन थी, इट वॉज नॉट एन अरेस्ट। वीडियो चल रही है जिस तरीके से उनको उठाया गया, दे रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब को कि उनका नंबर बंद किया जाए, उनके नंबर से हमें मैसेजेस आ रहे हैं अननोन, सो आई डोंट थिंक सो कि इट्स एन अरेस्ट, लीगल अरेस्ट। तो इसको आप फिर किस तरह से, अगर आपने आगे जाके अदालत में भी कहा कि आपको मिलने नहीं दिया जा रहा जबकि ये आपका लीगल राइट है, तो आपके वकला की जानिब से भी कहा गया, किस तरह से देख रही हैं, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा और क्या समझती हैं आप, कौन लोग पीछे हैं? मुझे नहीं पता जी कौन लोग पीछे हैं। अभी तो सेक्रेटरी जो हैं रिटायर्ड हैं, वो जो जिन्होंने इनको मुदई बने हैं। वकुआ जो है वो लाहौर में हुआ है, पर्चा दर्ज इस्लामाबाद में हो रहा है, अबडक्शन लाहौर घर से हो रही है। देखिए ना आप, 6:45 गिरफ्तारी डली है, 5:30 उनको उठाया गया है, 5:41 की फुटेज आप लोगों के पास आ गई है, मैं गवाह हूँ, उनके साथ फ़ोन पे थी, उनका फ़ोन बंद किया गया, उनका फ़ोन छीना गया और उनको 4 गाड़ियाँ जो बग़ैर नंबर प्लेट की थीं, जिनको फ़ारूक हबीब साहब ने भी रोकने की कोशिश की, क्योंकि कोई भी गाड़ी अगर बग़ैर नंबर प्लेट के आप 10 गाड़ियाँ साथ लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली हम रोकेंगे उसको, रिटेलिएट करेंगे। और इस्लामाबाद से रवानगी 6:45 की है और अरेस्ट जो है वो लाहौर में। आपने देखा कि फ़ारूक हबीब साहब पे भी पर्चा दर्ज कर लिया गया सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने रोकने की कोशिश की, और उस पर्चे में बड़े फ्रिवलेस चार्जेस हैं कि उन लोगों को रोका, उनकी वर्दी फाड़ दी गई। क्योंकि मुल्क में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से हालात हो रहे हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल वन साइडेड चीज़ें चल रही हैं? अभी भी उन पर कपड़ा डालने की कोशिश की, आप सब गवाह हैं। अभी भी आपने देखा है जिस तरीके से उनको नीचे लाया गया, मेरा ये जी पाँव पूरा, ये देख लें, ये देखें, ये मेरी हालत की है, कोई लिहाज नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर नाउ कि आई के नॉट वॉक इस वे अभी, लेकिन हम फिर भी मैं उनके जितना पीछे जा सकी हूँ एज अ वाइफ, एज अ सपोर्टर, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। आपने देखा है इट्स बीन 3 डेज, आई हैवंट स्लेप्ट फॉर एन आवर। मैं यही पूछने लगा था कि एक अहलिया के लिए बड़ा मुश्किल लम्हा है ये, जब शौहर को हथकड़ी लगे और ऐसे लोग जिनका मतलब गाड़ी की नंबर प्लेट्स भी नहीं है उनको उठा लिया गया, जिस तरह से आप एबडक्शन कह रही हैं, किस सदमे से गुजरी हैं आप बेसिकली? मेरे घर पर बंदे भेजे जा रहे हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं 5 साल की और 4 साल की, वो यहाँ नहीं आ सकी, वालिद से नहीं मिल सकी। मैंने अभी जज साहब को पर्सनली रिक्वेस्ट की कि मुझे उनको पीछे लाने दें और सिर्फ वो बाप की शक्ल देख लें, क्योंकि दे आर वेरी यंग और वो पूछ रही हैं कि किधर हैं फवाद, कहाँ हैं बाबा, वी वांट टू सी। नहीं मिलने दिया, मुझे कहा गया जी बख्शीगाने में ले आए, हम वहाँ गए हैं, वहाँ नहीं थे। इट्स अ मेंटली टॉर्चर फॉर अस, मैं आपको बताऊँगी इस वक्त मेरे लिए स्पेशली जिस उस पर हम गुजरे हैं। लेकिन मैं शुक्रिया करना चाहूँगी सारे मीडिया का, सारे भाइयों का, जिस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोग ही मेरी स्ट्रेंथ हैं। थैंक यू सो मच। एक आखिरी क्वेश्चन सिर्फ ये लीजिएगा कि फवाद चौधरी साहब की तकरीर मैंने भी खुद एनालाइज की है, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी चली है, उसमें जो एक बात है आप समझती हैं कि वो बात दुरुस्त है या नहीं, वो मैं आपसे कमेंट चाहूँगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के घर वालों को, उनके ख़ानदान को जब हम इक्तदार में आएंगे तो देख लेंगे, हाउ डू यू सी दिस? अभी हाई कोर्ट में 5 दिन पहले एक रिटायर्ड कैप्टन ने बयान दिया था, अगर आप सबको पता है वो, याद दहानी करा दूँ, उनके जो उन्होंने जो विद ड्यू रिस्पेक्ट जो नाम लिए हैं, मेरे लिए वो बहुत रिस्पेक्ट हैं सारे नाम, क्योंकि मैं किसी किस्म का बियॉन्ड द लॉ नहीं जाना चाहती उनको तनकीद करके, क्योंकि देयर इज़ नो एविडेंस कि हम उनको तकरीर करें। तो उन्होंने जो नाम लिए वो मुझे बताएं कि वो सही थे, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ तो किसी को कोई ऊ आ नहीं हुई। हम आह भी लेते हैं, वो कौन सा शेर है कि करते हैं तो हो जाते हैं बदाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। तो ये हालात हैं जी आपके सामने, लेकिन वी आर हेयर और प्लीज़ #ReleaseFawad Chaudhary। थैंक यू फवाद चौधरी साहब।